नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आज द टॉप स्टोरी में बात थाना सिकंदरा क्षेत्र में विगत दिन हुए दर्दनाक हादसे के बाद अलर्ट हुई आगरा पुलिस सहित यातायात पुलिस की। सीपी के निर्देश पर चलाए गए अभियान के तहत पुलिस सवारी ऑटो से एक्स्ट्रा सीट को हटा रही है और नियमों का पालन ना करने वालों के चालान कर रही है। दरअसल थाना सिकंदरा क्षेत्र में विगत दिनों हुए दर्दनाक हादसे के बाद आगरा पुलिस सहित यातायात पुलिस अलर्ट है। सीपी के निर्देश पर अभियान चलाए गए, उसके तहत पुलिस सवारी ऑटो से एक्स्ट्रा सीट को हटा रही है और नियमों का पालन ना करने वालों के चालान भी किए जा रहे हैं। थाना सिकंदरा क्षेत्र में विगत दिनों हुए दर्दनाक हादसे के बाद आगरा पुलिस सहित यातायात पुलिस अलर्ट पर है। पुलिस प्रशासन के निर्देशन पर चलाए गए अभियान के तहत पुलिस सवारी ऑटो से एक्स्ट्रा सीट को हटा रही है। नियमों का पालन न करने वालों के चालान भी किए जा रहे हैं। पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर जनपद में जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई है। अभियान के तहत आगरा पुलिस ऑटो टैक्सी ड्राइवर को यातायात नियमों के प्रति जागरूक कर रही है। वहीं नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई भी की जा रही है। इसके साथ ही ऑटो और ई रिक्शा में लगी अतिरिक्त सीटों व अतिरिक्त एसेसरीज को हटाया जा रहा है। वाहनों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, ट्रैफिक का लोड बढ़ता जा रहा है और ट्रैफिक कंजेशन भी उसी के हिसाब से बढ़ रहा है। रामबाग चौराहा आगरा महानगर का प्रवेश द्वार है, जहाँ पे फिरोजाबाद जनपद से अलीगढ़ हाथरस और एटा चार जनपदों की जो है यहाँ पे वाहन आते हैं। ये शहर का सबसे महत्वपूर्ण चौराहा है। ये चौराहे से भारी वाहनों का भी आवागमन तो हम लोग को पहली चीज तो अस्थायी अतिक्रमण है उसको व्यवस्थित करा रहे हैं, उसको हटवा रहे हैं और 50 मीटर तक का क्षेत्र जो एक डिप्टी जोन होगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, व्यस्तता की वजह से, फोर्स की वजह से, कमी की वजह से प्रकार की स्थितियाँ उत्पन्न होती है। बार ये जिम्मेदारी चौकी इंचार्ज रामबाग को दी गई है कि पुनः अतिक्रमण न होने पाए और ये अभियान सप्ताह में एक बार चलाया जाए। जनपद के समस्त सर्कल में अभियान जारी है। एसीपी सहित थाना प्रभारी व ट्रैफिक पुलिस चेकिंग अभियान चलाकर ऑटो ई रिक्शा में लगी अतिरिक्त सीटों को हटाया जा रहा है। वहीं एनजीओ के माध्यम से वाहन चालकों को हेलमेट भी वितरित किए जा रहे हैं। सी न्यूज के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट। शहर में एमजी रोड पर गुरुद्वारा के सामने हुए एक्सीडेंट के बाद भी सबक नहीं लिया गया। एमजी रोड पर ऑटो हो या फिर ई रिक्शा, ऐसे वाहनों में बिना मानक के ही बच्चों को बैठाकर उनके घर पहुंचाया जा रहा है। बच्चों के जीवन के साथ भी ऑटो चालक खिलवाड़ कर रहे हैं। अभिभावकों को भी अपने बच्चों के प्रति सावधान रहना चाहिए। मजबूरी का नाम देकर बच्चों को ऑटो में बैठने की बजाय कुछ और वैकल्पिक उनके लिए इंतजाम उनके लिए करना चाहिए। चलिए, 2 तारीख को हुए एक्सीडेंट के बाद आज हम फिर से पड़ताल करने एमजी रोड पर खड़ा हूँ। मैं संजोन चौराहे पर हूँ। गुरुद्वारा गुरु के ताल पर भीषण भयंकर दिल दहला देने वाला हादसा हुआ, जिसमें 6 लोगों की जान चली गई। ठूस कर सवारियां भरी हुई थी, लेकिन क्या उससे ऑटो वालों ने कुछ सबक लिया है कि नहीं, या जनता ने कुछ सबक लिया कि नहीं, उसकी हम पड़ताल करते हैं। अब सबसे पहले देखिए, ये जो है इस समय आपको बताएं कि हम ऑटो वालों की हम पड़ताल कर रहे हैं। पहले ऑटो में कितनी सवारियाँ जा रही हैं इस वक्त? ऑटो, ये एमजी रोड है, यहाँ पर जाम के हालात काफ़ी रहते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर
वाहनों का बड़ा लंबा काफिला रेला है यहाँ पर, और यहाँ पर बड़े बड़े वाहन यहाँ पर जाते रहते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑटो में जो ऑटो इधर से आएंगे उसमें कितनी सवारियाँ भरी हुई हैं, कितनी सवारी हैं। आप उधर देखें, वो ऑटो जो जा रहा है उस तरफ देख रहे हैं आप, उसमें 4 सवारी पीछे हैं और 1 आगे बैठा हुआ है। इसके साथ साथ आप ये दिखाएं, हम और भी ऑटो पर फोकस करते हैं कि उनमें कितनी सवारियाँ इसमें बैठी हुई जा रही हैं इस MG रोड पर। वो हम देख रहे हैं कि क्या कुछ सबक जो है लिया है एक्सीडेंट के बाद या नहीं लिया है, उस पर हम यहाँ पर देखने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर हमें ऑटो बहुत कम अभी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जितने भी ऑटो अभी तक हमने देखा उन ऑटो में सवारियाँ काफ़ी ज़्यादा भरी हुई थी, जिससे कभी भी यहाँ पर भी हादसा हो सकता था। मुझे लगता है कि उस घटना के बाद से जो है यहाँ पर सबक नहीं लिया गया और लगातार जो है इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। कितना ओवरलोड है ट्रैफिक आप देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पर ऑटो नज़र नहीं आ रहे हैं, यहाँ पर से ज़्यादा मयूरी बहुत ज़्यादा दिख रही है यहाँ पर इस जगह पर। और आप देख रहे हैं ट्रैफिक कितना ज़्यादा ओवरलोड क्राउड है, जिसको कंट्रोल करना पुलिस के बस से बाहर हो गया है। इतना वाहन हो गया है कि आप इसको नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, और यही वजह है कि एक्सीडेंट के मामले ज़्यादा सामने आने लग गए हैं, क्योंकि वाहनों की संख्या बहुत ज़्यादा होने की वजह से सड़क पर चलना लोगों को काफ़ी मुश्किल हो गया है। 90s की अगर हम बात करते हैं तो 90s में इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था, बहुत कम ट्रैफिक। ये देखिए ऑटो देखिए, इधर कितनी सवारियाँ इसमें बैठी हुई हैं, इसमें 3 आगे सवारी बैठी थी जबकि जो है 4 सवारी आगे बैठी हुई थी। तो ये हम कह सकते हैं कि ऑटो वालों ने कोई सबक नहीं लिया है। बहरहाल अभी यहाँ इतना ज़्यादा ऑटो नज़र नहीं आए हैं, हम और आगे तरफ देखते चल के थोड़ा सा हमें ऑटो अगर मिले MG रोड पर चलने वाले तो हम आपको दिखाते हैं कि क्या कोई सबक लिया गया कि नहीं लिया गया है। इस समय स्कूल की छुट्टी का समय है, हम पड़ताल कर रहे हैं कि क्या पोजीशन है इस समय गुरुद्वारा पर दुर्घटना होने के बाद, क्या पोजीशन है ऑटो वालों की। ये अभी तक यहाँ पर नज़र नहीं आया है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई मिले यहाँ पर। MG रोड पर ऑटो समझौता नहीं चल रहे हैं इस समय, लेकिन जाम के हालात काफ़ी ज़्यादा हैं MG रोड पर, जिससे कि यहाँ पर पैदल चल पाना भी काफ़ी मुश्किल हो सकता है। एक और रिक्शा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, हम उनसे ज़रा बात करते हैं। भाई कितने लोग बैठा रखे हैं इस पर? अरे भाई ये क्या टेम्पू है, क्या है ये? बैटरी वाला रिक्शा है, बैटरी वाला रिक्शा। कितने लोगों को बैठाने का अलाउ है इस पर? 4 लोग। 4 लोग, फिर ऑटो 3 लाख का, 4.5 लाख का ऑटो आ रहा है, फिर ऑटो में और रिक्शे में फर्क क्या रह गया फिर? ये बच्चे हैं ना स्कूल के, ये बैठा लेते नहीं। बैठा ले तो ठीक है, बच्चों के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हो आप बताओ? अगर आपको लगता है कि ऑटो में भी 4 सवारी बैठेंगे, कार में भी 4 ही बैठेंगे, 12 लाख की कार आ रही है, 3 लाख का ये आ रहा है, 5 लाख का ऑटो आ रहा है, रिक्शा आ रहा है तुम्हारा 1.5 लाख का, तो फर्क ही क्या है इन सब चीज़ों में? तो भाई थोड़े ना 4 पैसे बचे जाते, 400 रुपये रोज किराया ले रहे हैं वो लोग। आपकी मजबूरी है मैं समझ सकता हूँ, बच्चों जरा पूछे थे, बच्चों जरा बताइए कि आप लोगों को बैठने में इसमें डर नहीं लगता है? नहीं नहीं। चारों तरफ से खुला हुआ है, कहीं पलट गया तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं। बैठना चाहिए आप लोगों को ऐसी जगह पे? तो भाई आपको बैठना चाहिए, फिर मिलते भी तो नहीं है ना रिक्शे। हाँ मजबूरी है। हाँ। मजबूरी का नाम, चलिए देखिए अपनी अपनी सबकी मजबूरी है, किसी को जल्दी जाना है, किसी को जल्दी जाना है, तो किसी को जो है जल्दी यानी कि किराए की समस्या उत्पन्न हो गई किसी के साथ में। रिक्शे और टेम्पो में कोई फ़र्क ही नहीं है मयूरी में, जितनी सवारी मयूरी में आ रही है जितनी सवारी रिक्शे में आ रही हैं, आप टेम्पो में आ रहा है उतनी सवारी जो है रिक्शे में बैठा के जा रहे हैं। कैमरा पर्सन मनोज साध विनोद जूनियर, सी न्यूज आगरा। विगत दिनों हुए हादसे को लेकर ऑटो वाले और मयूरी वाले क्यों सबक नहीं ले रहे हैं, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता संदीप शर्मा। तो संदीप बताइए कि सबसे पहले तो जो अभियान चलाया जा रहा है जो पुलिस की तरफ से, यातायात पुलिस की तरफ से, उसमें कितने ऑटो के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की गई है, जो सीट हटाई जा रही है ऐसे कितनी कार्रवाई की गई है? देखिए अंजलि, अगर बात की जाए तो जिस तरीके से विगत दिनों शनिवार को गुरुद्वारा गुरु की ताल के सामने सिकंदरा NS 19 पर सिकंदरा रोड पर जो दर्दनाक हादसा जो हुआ था, उसमें तकरीबन 6 लोगों की जान मौके पर ही चली गई थी। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए आगरा पुलिस की ओर से जो पुलिस कमिश्नर हैं डॉक्टर प्रतिंदर सिंह, काफ़ी जो है जो लगातार जो वाहन चालक हैं उनके प्रति उन्होंने एक अभियान की शुरुआत की है, और ये जागरूकता अभियान के तहत जो ऑटो ड्राइवर्स हैं, टैक्सी ड्राइवर्स हैं, चाहे मयूरी चालक हों, उनको जागरूक किया जा रहा है। साथ ही साथ जो ऑटो बिना मानकों के
सड़कों पर दौड़ रहे हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा उसमें सीटेट्स लगी हुई हैं या एक्स्ट्रा एसेसरीज उसमें लगी हुई है, तो उन पर अभियान की शुरुआत आगरा पुलिस और यातायात पुलिस की ओर से की गई है। और लगातार बड़ी संख्या में जो है आगरा पुलिस विगत दिनों से इस अभियान को चलाए हुए है। और बात की जाए तो तकरीबन 400 से 500 चालान अब तक जो है जो ऑटो हैं जिनमें अतिरिक्त सीट थी उनके किए गए हैं। जी संदीप, अब ये बताइए कि जैसे कि सड़क हादसों को रोकने के लिए ऐसा भी आया सामने, तस्वीरें ऐसी सामने आई हैं जिनमें जो पुलिस है वो टू व्हीलर और जो थ्री व्हीलर जो टू व्हीलर लोगों हैं उनको हेलमेट बांट रही है। जी हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो है जो जागरूकता अभियान की जो शुरुआत की गई है उसी के तहत जो वाहन स्वामी हैं, जो लोग टू व्हीलर वाहन स्वामी हैं जो हेलमेट का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो एनजीओ के माध्यम से उनको जो है हेलमेट्स भी जो है वितरित किए जा रहे हैं और यातायात नियमों का साथ में पाठ भी पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि हेलमेट पहनना विशेष जरूरी है स्वयं अपने लिए भी और जो दूसरे जो सड़कों पर चल रहे हैं उनके लिए भी, क्योंकि छोटी सी दुर्घटना जो है कभी ऐसा होता है कि छोटी सी जो दुर्घटना हुई है उसमें जिंदगियां भी चली जाती हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों का पाठ जो है वाहन चालकों को पढ़ाया जा रहा है और साथ ही साथ जो लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं उन पर कार्रवाई भी जो है यातायात पुलिस और आगरा पुलिस कर रही है। अंजलि, इसमें अगर बात की जाए तो बड़ी विशेष जो बात है वो ये है कि लगातार जो पूरे जनपद में जो पुलिस कमिश्नर है उनके निर्देश पर एक अभियान की शुरुआत की गई है, जिसमें जो विगत दिनों जिस तरीके से ऑटो में पाँच से छः सवारियां जो बैठी हुई थी जिनकी दर्दनाक हादसे में जो है तत्काल मौके पर ही जो है मृत्यु हो गई थी, इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए जो ऑटो के जो मानक होते हैं उनको भी जो है आगरा पुलिस की ओर से जो है जो ऑटो के नॉर्म्स हैं या ऑटो जो है बिना मानकों के चल रहा है इसको देखते हुए पुलिस की ओर से अभियान की शुरुआत की गई है। और जनपद में तमाम पूरे जो ACP हैं, चाहे वो थाना स्तर के जो अधिकारी हों चाहे प्रभारी निरीक्षक हो, तो सभी जगह पूरे जनपद में जो है अभियान चलाया जा रहा है। और लगातार आज भी अगर बात की जाए तो तकरीबन 300 से 400 ऑटो की जो है जो सीट हैं वो निकलवाई गई हैं और ये निरंतर अभियान जो है आगे भी जारी रहेगा। जी संदीप, जैसे कि हमने अभी तस्वीरों में देखा कि जो ऑटो वाले हैं अब भी नहीं मान रहे हैं, अभियान चलाया जा रहा है लेकिन धरातल पर कहीं ना कहीं ये मिसिंग नजर आ रही है। हमें तस्वीरें ये बता रही हैं कि अभी भी ऑटो वाले अपनी जो मनमानी से बाज नहीं आ रहे, चाहे उनकी मजबूरी हो चाहे कुछ भी हो। लेकिन यहाँ हमने ये भी देखा कि जो स्कूली बच्चे हैं वो वहाँ पर ऑटो में बैठे हैं और 5 से 6 लोग वहाँ पर बच्चे बैठे हैं, उनकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, चाहे मजबूरी वश किया जा रहा हो चाहे किसी भी, लेकिन जान तो इस पर जा सकती है। तो पर कैसे इस अभियान को धरातल पर उतारा जाए? देखिए बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जो लोग अभी नॉर्म्स का नहीं पालन कर रहे हैं लेकिन उनको भी जो यातायात जो नियम है उनका पाठ पढ़ाया जा रहा है। लेकिन अगर बात की जाए तो स्कूली बच्चे अगर ऑटो में सवारियां कर रहे हैं या कहीं जो ऑटो है वो स्कूल में कहीं अनुबंध है, चाहे बच्चों को लाने और ले जाने का अगर कार्य करता है वो नॉर्म्स के विपरीत है, तो ऐसी दिशा में चाहे कोई भी माँ बाप हों अगर वो जागरूक हैं तो इसकी शिकायत जो है RTO कार्यालय पर कर सकते हैं। और इस तरीके के जितने भी ऑटोज चाहे टैक्सी हों जो कि कॉमर्शियल नहीं है, कॉमर्शियल एक्टिविटी में नहीं है, तो उनके खिलाफ जो है RTO की तरफ से अभियान भी चलाया जाता है और ट्रैफिक की तरफ से भी अभियान चलाया जाता है। पूर्व में भी इस तरीके के अभियान कई बार देखे गए हैं जो कि नॉर्म्स के विपरीत हैं, तो ऐसे वाहनों पर जो है जो स्कूली बच्चों को लाने और ले जाने में लगे हुए हैं तो उन पर भी कार्रवाई की गई है और कई वाहनों को पूर्व में भी सीज किया गया है। तो अगर बात की जाए कि ऑटो में अभी भी अगर 5 से 6 सवारियां अगर दिख रही हैं तो कहीं ना कहीं उनकी कोई मजबूरी हो सकती है, लेकिन मजबूरी हम नहीं कहेंगे क्योंकि जो नियम है नियमों के जो है जो RTO की तरफ से जो नॉर्म्स हैं उन्हीं के दिशा में ही वाहन चाहे ऑटो चालक हो चाहे वाहन चालक हो कोई भी हो तो उन नियमों का उन्हें पालन करना होगा, क्योंकि अगर उस ऑटो चालक ने अगर नियमों का पालन किया होता तो चाहे शायद इतना बड़ा हादसा जो है जो अभी विगत दिनों हुआ है वो नहीं हुआ होता, क्योंकि जो लेन जिस लेन पर जो है ऑटो और जो ट्रक चल रहे थे जिसके बीच में जो ऑटो जो फंसा था तो वो लेन जो है हैवी व्हीकल की लेन होती है, उस रोड पर जो है उस लेन पर जो है ऑटो नहीं जाना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं मानकों की कमी थी और समझदारी की कमी थी, तो यही वजह है कि शायद यातायात नियमों का पालन वो नहीं कर पाया,
तो जिसके चलते इतना बड़ा हादसा हुआ है। लेकिन आगरा पुलिस की ओर से जो अभियान की शुरुआत की गई है उसमें यातायात नियमों का पाठ जो है ऑटो चालक चाहे टैक्सी ड्राइवर हों चाहे वाहन स्वामी हों उनको यातायात नियम की जानकारी दी जा रही है और जो लोग यातायात नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं उन पर कार्रवाई भी आगरा पुलिस कर रही है। जी संदीप, अब ऑटो चालकों की बात करें उनकी क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है इस कार्रवाई से, क्योंकि उनकी जो रोजी रोटी उनके अब जो एक्स्ट्रा सीट में जो एक्स्ट्रा लोगों को वो बैठा लेते थे उनको पैसे बच जाते, तो उस पर इस कार्रवाई पर उनकी क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है? देखिए ऑटो चालकों की प्रतिक्रिया की अगर बात की जाए तो ये जो पूरा अभियान जो शुरुआत की गई है ये कोई उनके ऊपर कोई दबाव नहीं है प्रशासन का ना ही पुलिस प्रशासन का, तो इसको कोई दबाव नहीं कहेंगे, सिर्फ उनको एक नॉर्मल जो उनका जो नॉर्म्स हैं उनको नॉर्म्स के फॉलो कराया जा रहा है। और ऑटो में सिर्फ जो मानक हैं मानक के अनुसार 3 सवारियां पीछे और 1 ड्राइवर, टोटल 4 सवारियों के लिए ऑटो होता है, लेकिन ये लोग एक्स्ट्रा सीट लगाकर उसमें 7 से 8-8 सवारियां बैठाते हैं। सिर्फ चंद पैसों के लिए ये सब काम किए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर ट्रैफिक पुलिस या कह सकते हैं सिविल पुलिस, थाना पुलिस या आरटीओ पुलिस इन लोगों पर कभी शिकंजा कसती है तो सड़कों पर भी आपने देखा होगा कभी पुलिस वाले रोड पर अगर चेकिंग कर रहे होते हैं तो ये अनाधुंध भागते हैं। तो यही वजह है कि कहीं ना कहीं पुलिस से तो बच जाते हैं लेकिन जो दुर्घटनाएं हैं उनसे नहीं बच पाता इंसान, और यही हादसा जो है अभी सिकंदरा में देखा गया है। तो इसी के तहत जागरूकता अभियान आगरा पुलिस की ओर से चलाया गया है और लगातार ऐसे ऑटो ड्राइवर्स, टैक्सी ड्राइवर्स सभी को जो है आगरा पुलिस जागरूक कर रही है। जी संदीप, बहुत बहुत धन्यवाद ये हमारे साथ चर्चा के लिए और इतनी जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर जनपद में जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई है। अभियान के तहत आगरा पुलिस ऑटो टैक्सी ड्राइवर को यातायात नियम का पालन करा रही है, वहीं नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई भी की जा रही है। इसके साथ ही ऑटो और ई रिक्शा में लगी अतिरिक्त सीटों व अतिरिक्त एसेसरीज को हटाया जा रहा है। जनपद के समस्त सर्कल में अभियान जारी है। एसीपी सहित थाना प्रभारी व ट्रैफिक पुलिस चेकिंग अभियान चलाकर कोटवा ई रिक्शा में लगी अतिरिक्त सीटों को हटाया जा रहा है। वहीं एनजीओ के माध्यम से वाहन चालकों को हेलमेट भी वितरित किए जा रहे हैं। एमजी रोड पर ऑटो हो या फिर ई रिक्शा, ऐसे वाहनों में बिना मानक के ही बच्चों को बैठाकर उनके घर पहुंचाया जा रहा है, लेकिन हालांकि पुलिस की कार्रवाई लगातार इस पर जारी है और उन्हें जागरूक करने का पुलिस काम कर रही है। और आपको बता दें कि बच्चों के जीवन के साथ भी ऑटो चालक खिलवाड़ करने से बाज नहीं आ रहे हैं, लेकिन पुलिस लगातार उन्हें जागरूक कर रही है, उन पर कार्रवाई कर रही है। जो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं उन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। तो आज द टॉप स्टोरी में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।